गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास का मैथ में बहुपद चल रहा, चैप्टर नंबर 2। तो इसकी कुछ परिभाषाएं मैंने लिखवा दी थी, जैसे बीजे व्यंजक, बहुपद, दो घात का बहुपद, त्रिघाते बहुपद, ये लिखवा दी थी। तो आज इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रश्नावली इसमें क्या है, निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो 4x² - 3x + 7 ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, दूसरा है y² + √2 ये भी है। ठीक, अब हम देखें थर्ड देखें 3√t + √2 तो ये नहीं है, और फोर्थ में y + 2/y दिया है, यानी कि थर्ड और फोर्थ में क्या है, बहुपद नहीं है ये बहुपद, क्योंकि इसमें √t दिया है, √2 दिया है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक जो पूर्ण संख्या नहीं है, घातांक ये जो है ये वाला पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है बहुपद नहीं है। ठीक, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखना है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर देखें हम इस समीकरण में या बहुपद में, x² के साथ कोई संख्या है जहाँ पर ना हो तो 1 होता है। ठीक, ये 1 हो गया, x² का गुणांक यहाँ क्या है, प्लस की जगह माइनस है तो -1 हो गया। x² का गुणांक यहाँ पर देखें तो π/2 है, इसमें x² है ही नहीं। ठीक है, जैसे या तीसरा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण देना हो। 35 घात के द्विपद का, यानी कि 35 घात दिखानी है और दो पद होने चाहिए, जैसे हमने लिख दिया 3x³ - -4, यानी कि एक पद ही हो गया, दो पद ही हो गया। 100 घात के एक पद का उदाहरण देना, तो 100 y मान लो या x मान लो, उसकी घात 100 दिखा दो और उसके साथ कोई गुणांक दिखा दो, जैसे √2y⁻¹⁰। तो इसका उदाहरण ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। घात का मतलब मैक्सिमम घात, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, x³ है। ठीक है, या मैक्सिमम घात y² 2, तो घात 2 हो गया। यहाँ पर टी की घात देखेंगे, टी की घात 1 है और इसमें कोई घात है ही नहीं। ठीक, अचर पद है ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। अब यहाँ देखें हम पहले का, तो मैक्सिमम घात x² 2 है तो द्विघाती हो गया है, ये त्रिघाती हो गया है, द्विघाती हो गया, यहाँ पर एक घाती हो गया, या रैखिक बहुपद कह सकते हैं इसे, ये भी रैखिक बहुपद है, r² है तो द्विघाती हो गया, 7x³ है तो ये त्रिघाती हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके करो सारे। थैंक यू।